नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। बिहार इन दिनों चर्चा में है। नई नवेली सरकार और उसके पुराने प्रेमी का छुट्टा छुट्टी हो जाना इस वजह से चर्चा में है। छुट्टा छुट्टी हुआ तो लाजमी था कि मान मनोवल भी होता। मान मनोवल से बात नहीं बनी तो लाजमी है कि सरफुटवल भी होगा। इसी सरफुटवल को आगे बढ़ते हुए देखते हैं और समझते हैं कि ये जो CBI और ED की रेड है कहीं उसी से तो जुड़ी हुई नहीं है। CBI और ED की टीमें बुधवार को देश के करीब 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। CBI की टीमों ने बिहार में राजद के 5 नेताओं के घर पर छापा मारा है। यह मामला जमीन के बदले रेलवे में रोजगार घोटाले से जुड़ा हुआ है। राजद ने बिहार में फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले पड़े इस छापे पर सवाल उठाया है। CBI की टीम सुबह 8 बजे से RJD के राज्यसभा सांसद अशफाक करीम, राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद और RJD के कोषाध्यक्ष और MLC सुनील सिंह के घर छापामारी करने पहुंची। छापे के दौरान सुनील सिंह अपने घर की बालकनी में नजर आए। सुनील सिंह और उनकी पत्नी ने छापे को बदले की कार्रवाई बताया। सुनील सिंह ने कहा कि मुझे बाहर कर दिया गया है और मेरे घर में वो घुस गए हैं। राजद ने कहा कि बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले केंद्र सरकार ये छापे जानबूझकर करवा रही है। ये सब भाजपा के इशारे पर हो रहा है। हम बिहारी हैं, टिकाऊ हैं, बिकाऊ नहीं। कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र और फिर बिहार, आपके पास स्क्रिप्ट वही है कि पॉलिटिकली नहीं लड़ पाएंगे। ये संगठन जो आपके हाथ के तोते हैं, इनको इनकी छत पे पहुंचा, लेकिन ये बिहार है, बिहार अपने तरीके से लेगा बदला। लालू यादव की बेटी वही रोहिणी आचार्य ने CBI की कार्रवाई पर भाजपा का नाम लिए बगैर कहा कि ये बलात्कारी पार्टी है। फ्लोर टेस्ट से पहले ये नीचता पर आ गई है, अपने पोसुआ जानवर को डराने के लिए भेज दिया है। CBI ने 3 महीने पहले केस दर्ज किया था। इसके बाद राबड़ी आवास पर छापेमारी की गई थी। इसमें तेजस्वी यादव के कमरे से कई दस्तावेज मिलने की बात कही गई थी। इस छापेमारी के बाद ही लालू यादव के सबसे करीबी माने जाने वाले भोला यादव को गिरफ्तार किया गया था। भोला यादव से पूछताछ के बाद CBI की यह कार्रवाई शुरू हुई। राजनीति में ऐसा ही होता है, जब तक साथ हैं तब तक तीता भी मीठा लगता है और जब अलग होते हैं तो सब कड़वा लगने लगता है। क्या सचमुच CBI एवं अन्य एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? क्योंकि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। CBI और ED फिर एक बार सवालों के घेरे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप इस बात से सहमत हैं या नहीं? हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं। अगर आप यह हमारा वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमें शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बने रहें महाखबर के साथ। धन्यवाद।